नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पियानो हारमोनियम प्रताप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारा राष्ट्रगान। तो आज हम राष्ट्रगान को छोटे छोटे भागों में और नोटेशन के साथ कंप्लीट बजाना सीखेंगे। दोस्तों, मैंने अपने YouTube चैनल में और भी देशभक्ति के बहुत सारे सॉन्ग हैं जो सिखाए हुए हैं, जिनकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप वहां से जाकर उनको सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आइए दोस्तों, और देर न लगाते हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम इस सॉन्ग की स्केल की, यानी स्वर कौन सा रहेगा। इसमें जो स्वर है, अगर वेस्टर्न के हिसाब से बात करें तो सी शार्प मेजर इस सॉन्ग का जो है स्वर है, और हिंदी में बात करें तो पहला काला, यानी पहला काला हिलावल से हम इसको बजाना सीखेंगे। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से नोट यूज होंगे, स्वर यूज होंगे, वो हम एक बार बजाकर देख लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, कहीं कहीं पे तीव्र मध्यम का भी प्रयोग होगा। दोस्तों, हमारे राष्ट्रगान की सबसे पहली लाइन आती है, जन गण मन अधिनायक जय हे। तो सबसे पहले इस लाइन को हम बजाकर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ईजी है। अब इस लाइन को बजाना सीखिए। सबसे पहला शब्द है जन, जन के लिए सा रे, उसके बाद शब्द आएगा गढ़, गढ़ के लिए दो बार गा, उसके बाद शब्द आएगा मन, मन के लिए दो बार गा, उसके बाद शब्द आएगा अधिनायक, अधिनायक के लिए पांच बार हमें घा बजा देना है, और लास्ट में शब्द आएगा जय हे। तो जय हे के लिए, जय हे के लिए एक बार गा, एक बार माँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट लाइन आएगी, भारत भाग्य विधाता। तो इस लाइन को भी पहले हम बजा कर देखते हैं, फिर सीखते हैं। देखिए, बहुत ही जी है। अब इस लाइन को सीखिए। सबसे पहला शब्द है भारत, भारत के लिए तीन बार आपको बजा देना है गा, उसके बाद शब्द आएगा भाग्य, भाग्य के लिए दो बार रे, उसके बाद शब्द आएगा विधाता, विधाता के लिए रे नी रे सा, ठीक है। इसके बाद आती है दोस्तों हमारी थर्ड लाइन, जिसके बोल है पंजाब सिंधु गुजरात मराठा। तो इस लाइन को भी पहले बजा कर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ईजी है। अब इस लाइन को बजाना सीखे। सबसे पहला शब्द है पंजाब, पंजाब के लिए एक बार सा और दो बार पा, उसके बाद शब्द आएगा सिंधु, सिंधु के लिए दो बार पा, उसके बाद शब्द आएगा गुजरात, गुजरात के लिए चार बार पा, उसके बाद शब्द आएगा मराठा। एक बार और देखिए, यानी मराठा के लिए पा तीव्र मा धा और पा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट लाइन आती है, द्राविड़ उत्कल बंगा। तो पहले इस लाइन को भी हम बजाकर देखते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है द्राविड़, द्राविड़ के लिए तीन बार मा, उसके बाद शब्द आएगा उत्कल, उत्कल के लिए तीन बार मा एक बार गा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा बंगा, बंगा के लिए एक बार रे एक बार मा एक बार गा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट लाइन आती है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो पहले इस लाइन को भी हम बजाते हैं, फिर हम सीखेंगे। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है विंध्य, विंध्य के लिए दो बार गा, उसके बाद शब्द आएगा हिमाचल, हिमाचल के लिए तीन बार गा एक बार रे, ठीक है। उसके बाद शब्द आएगा यमुना, यमुना के लिए तीन बार पा एक बार मा, और लास्ट में शब्द आएगा गंगा, गंगा के लिए दो बार मा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट लाइन आती है,
उच्छल जलधि तरंगा। तो इसको बजाते हैं फिर सीखते हैं, देखिए। सबसे पहला शब्द है उच्छल, उच्छल के लिए तीन बार गा, उसके बाद शब्द है जलधि, जलधि के लिए तीन बार रे, और लास्ट में शब्द आएगा तरंगा, तरंगा के लिए रे नी रे सा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट लाइन आती है अब शुभ नामे जागे। तो पहले इस लाइन को भी बजाते हैं फिर हम सीखते हैं, देखिए। बहुत ईजी है, सबसे पहला शब्द है थव, थव के लिए सारे, उसके बाद शब्द है शुभ, शुभ के लिए दो बार गा, उसके बाद शब्द है नामे, नामे के लिए भी दो बार गा, और लास्ट में शब्द आएगा जागे, जागे के लिए रे गा मा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन आती है थव शुभ आशीष मांगे। तो इस लाइन को भी पहले हम बजाते हैं फिर हम इसे सीखेंगे, देखिए। बहुत ईजी है, सबसे पहला शब्द है थव, थव के लिए दो बार पा, उसके बाद शब्द आएगा शुभ, शुभ के लिए दो बार पा, उसके बाद शब्द आएगा आशीष, आशीष के लिए तीन बार मा, और लास्ट में शब्द आएगा मांगे, मांगे के लिए रे मा गा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शब्द आएगा गाहे थव जय गाथा। तो इस लाइन को भी पहले बजाते हैं फिर सीखते हैं, देखिए। बहुत ईजी है, अब इस लाइन को बजाना सीखिए। सबसे पहला शब्द है गाहे, गाए के लिए दो बार गा, उसके बाद शब्द आएगा थव, थव के लिए दो बार रे, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा जब, जब के लिए, जब के लिए दो बार रे, उसके बाद लास्ट में शब्द आएगा गाथा, गाथा के लिए नी रे सा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी लाइन आती है जनगण मंगल दायक जय हे। तो इस लाइन को भी पहले हम बजाकर देखते हैं फिर हम इसे सीखेंगे, देखिए। बहुत ईजी है, सबसे पहला शब्द है जन, जन के लिए दो बार पा, उसके बाद घन, घन के लिए दो बार पा, उसके बाद शब्द आएगा मंगल, मंगल के लिए तीन बार पा, उसके बाद आएगा दायक, दायक के लिए तीन बार पा, और लास्ट में शब्द आएगा जय हे। तो जय हे के लिए, जय के लिए तीव्र मा धा और पा। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट लाइन आती है भारत भाग्य विधाता। तो इस लाइन को पहले हम बजाते हैं फिर सीखते हैं, देखिए। बहुत ईजी है, सबसे पहला शब्द है भारत, भारत के लिए तीन बार मां, उसके बाद शब्द आएगा भाग्य, भाग्य के लिए दो बार मां, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा विधाता। तो विधाता के लिए, विधाता के लिए मां रे मा गा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट लाइन आती है जय हे जय हे जय हे। तो पहले इस लाइन को बजाते हैं फिर सीखते हैं, देखिए। बहुत ईजी है, सबसे पहला जय हे, पहली बार वाला जय हे के लिए नी नी सा, यानी दो बार नी एक बार सा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा जय हे, दूसरी वाला जय हे के लिए नी धा नी, तीसरी बार जय हे, तीसरी बार जय हे के लिए धा पा धा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे आती है लास्ट गान की सबसे लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन के बोल हैं जय 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 हे। तो इस लाइन को पहले हम बजाते हैं फिर सीखते हैं, देखिए। बहुत ईजी है, सबसे पहला जय, पहला जय हे के लिए दो बार सा, दूसरी बार जय दो बार रे, तीसरी बार जय आएगा उसके लिए दो बार गा, यानी पहली बार के लिए दो बार सा, दूसरी बार के लिए दो बार रे, तीसरी बार के लिए दो बार गा,
लास्ट में जो आएगा जय हे, लास्ट में जो जय आएगा उसके लिए रे गा और मा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ आपका जो राष्ट्रगान है वो एंड हो जाएगा। फिर आपको पता है सारे हम सब मिलकर बोलते हैं भारत माता की जय। तो दोस्तों जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके कोई सुझाव हो या और भी कोई सॉन्ग सीखना हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर सिखा सकते हैं। दोस्तों मैंने और भी देशभक्ति सॉन्ग सिखाए हुए हैं मेरे चैनल में, आप उनको भी जाकर सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।